मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आने में 2 घंटे लगते थे, ऐसे ही सहारनपुर से शामली मार्ग और सहारनपुर से देहरादून का मार्ग की भी दुर्गति थी। भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर हम लोगों ने 753 करोड़ रुपए खर्च किए और अब यह दूरी 2 घंटे से घटकर के मात्र 45 मिनट रह गई है। 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। हम लोगों ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। 612 करोड़ रुपए की लागत से सहारनपुर शामली मार्ग भी लगभग पूरा हो चुका है और इसका लाभ भी सहारनपुर और शामली वासियों के साथ साथ यहां से जाने आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सहारनपुर से देहरादून मार्ग लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह देश के कांगनहेडी यमुनानगर मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों में से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां की सड़कों का, यहां के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है और इस पर भी हम तेजी के साथ आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस के सेंटर की स्थापना का हो, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को ये कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। किराना और कांदला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जिस जीरो टॉलरेंस की बात हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, आज भी हम उस पर पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, जब प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आज सुबह ही मिशन रोजगार के अंतर्गत 1354 स्टाफ नर्सेज की भर्ती की नियुक्ति प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, तो मुझे तब प्रसन्नता होती है जब प्रदेश के सभी 75 जनपद से जुड़े हुए युवा उसमें शामिल होते हैं और उनका चयन होता है। आज जब मैं देख रहा था तो सहारनपुर की भी कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र मुझे देना दे रहा था, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ था और वे सरकारी नौकरी प्राप्त पा रही है। 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले सहारनपुर के अंदर पिछले 5 साल के दौरान जो निवेश हुआ है
उस निवेश में 1,00,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा अकेले आपके सहारनपुर जनपद के अंदर प्राप्त हुई है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वुड कार्विंग के कार्य को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर उनकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने मार्केटिंग मार्केट दिया है, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा है, उसकी ब्रांडिंग की है, वैश्विक मंच तक उनकी पहुंच को आसान बनाया है। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं इनका सामान बेचती है और वैश्विक मंच पर जब अपनी पहचान बनाता है तो सहारनपुर का नाम भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं, एक माहौल बना है इसलिए क्योंकि प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जब नगर निकाय और पंचायती राज में भी उसी विचारधारा के लोग आते हैं, चुनकर के आते हैं, तो विकास की स्पीड ट्रिपल गति से आगे बढ़ती है, डबल नहीं फिर ट्रिपल गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और 3 गुना रफ्तार से जब कोई चीज आगे बढ़ती है, कल्पना कर लीजिए कि जनता को कितनी सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा सहारनपुर में जमीन आसमान का अंतर आया है पिछले 5 साल के दौरान। इससे पहले हमारे शहर गंदे होते थे, कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, कोई सुविधा ही नहीं थी, आवास की सुविधा तो किसी को मिलती ही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, हेलोजन के नाम पर कभी स्ट्रीट लाइट कहीं जलती थी कहीं नहीं जलती थी, गंदगी रहती थी। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर नगर निकाय स्वच्छता की नई प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है और सहारनपुर तो उसने स्वच्छता में नए मानक गढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई नहीं सोचता था, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी अब तो व्यवस्था दे दी गई है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ता है तो ब्याज से मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध करवाने की तैयारी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले की जा चुकी है और उसमें अब तक प्रदेश के अंदर लगभग 9,00,000 स्ट्रीट वेंडर को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। आपके सहारनपुर में भी 18,000 से भी स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतनी आवास कभी नहीं मिल पाए जितना विगत 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर दिए। 45 लाख गरीबों का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उससे लाभान्वित हुए हैं। 45 लाख गरीबों को एक एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 25,944 लोगों को एक एक आवास की सुविधा के सहारनपुर जनपद महानगर के अंदर हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी 18,887 लोगों को सुविधा का लाभ दिया है और यहां पर ओडीओपी के अंतर्गत 2,225 जो कारीगर थे उन्हें हम लोगों ने प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी वितरण का काम किया है। तो भाइयों बहनों, 960 जो यहां के उद्यमी थे उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने बैंक से मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है जिसमें लगभग 5,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा उसके माध्यम से प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, यह एक नया यूपी है और मैं इसलिए सहारनपुर के सभी प्रबुद्ध जनों से भी कहूंगा, चिकित्सक हैं उनको यहां पर निवेश के लिए अनंत संभावनाओं को टटोलना चाहिए, जो उद्यमी हैं उन्हें भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। निवेश अब इधर पर नहीं, आपने देखा होगा 25 सेक्टोरियल पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत
एक व्यवस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, 340 से अधिक सेवाओं को आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एमएसएमई में 1000 दिनों तक आपके लिए किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं, आपने आवेदन कर लिया 1000 दिनों तक अपना उद्योग लगाते रहिए, कोई आपको पूछेगा नहीं। 1000 दिनों के बाद आप अपना आवेदन करिए और उसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हर सेक्टर के लिए निवेश की अनंत संभावनाएं, उत्तर प्रदेश की समय औद्योगिक नीति देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति में है, टेक्सटाइल की नीति सबसे अच्छी औद्योगिक सबसे अच्छी नीति में से है, बायोफ्यूल की नीति देश के अंदर सबसे अच्छी नीति में से है। हर एक सेक्टर की हमारे पास यहां पर इस समय नीति है, उसकी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के दायरे में आकर के अगर हम निवेश करते हैं तो निवेश आपको न केवल लाभान्वित करेगा बल्कि अनंत और ढेर सारे रोजगार का सृजन भी करेगा और सहारनपुर समेत प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और उसी व्यवस्था के साथ आज आप सबको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। एक हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन इसी उद्देश्य से किया है और मैं सहारनपुर के उद्यमियों से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ से जुड़े हुए हर तबके के लोगों से मैं कहूंगा इस निवेश के साथ हम अपने आप को जोड़े। हर तबके का व्यक्ति निवेश करेगा, स्कूल बनाते वह भी निवेश है, हॉस्पिटल बनाते वह भी निवेश है, उद्योग लगाते वह भी निवेश है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रोजगार का सृजन हो और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की संभावना बढ़ती हो वो अपने आप में निवेश है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश इस समय देश के अंदर सबसे सुरक्षित प्रदेश भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य प्रदेश भी है। इस निवेश के साथ हम जुड़े, अपने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप इकोनॉमी बनाने में हम अपना योगदान दें और इस दिशा में हमारा प्रयास जहां एक ओर आगे बढ़ना चाहिए वहीं दूसरी ओर जो कार्य पिछले 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, आज आप देखते होंगे एलईडी लाइट एक जैसी व्यवस्था के अंतर्गत आपको दिखाई देती है, दुधिया लाइट में चलते हुए आपको भी अच्छा लगता होगा, एक जैसी स्ट्रीट लाइट जब दिखती है आपके नगरों में स्वच्छ नगर और उसमें एक जैसी स्ट्रीट लाइट आपको भी अपने नगर अच्छा लगता होगा। और भाइयों बहनों, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहुत कुछ कहे जाना बाकी है इसमें और इससे प्रबुद्ध जनों से खास तौर पर मेरी अपील होगी, आपने यहां पे कुछ स्टॉल लगे हुए देखे होंगे, आप थोड़ा वहां अवलोकन करिए, वहां पर जाकर के देखिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्या है, सरकार ने किन किन कार्यों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये सभी चीजें अगर आप इसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी नगरीय व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था के रूप में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित होती भी दिखाई देगी। और यह कार्य केंद्र और राज्य में जिसकी सरकार हो, जब वे ही स्थानीय निकाय के साथ मिलकर के कार्य करेंगी तो ही स्पीड बन पाएगी और उसी स्पीड को जो 5 वर्ष के अंदर बनाया गया है उस स्पीड को उससे भी दुगनी गति से आगे बढ़ाने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि मानसिक रूप से हम उसके लिए तैयार अपने अपने को तैयारी करेंगे। इस विश्वास के साथ आज 145 करोड़ रुपए की लागत की जिन परियोजनाओं का स्वागत आपके जनपद सहारनपुर को उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे होंगे, जो कार्य हो चुके हैं उनका लाभ आम जनमानस को मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कार्य प्रारंभ होने हैं वे समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरे होंगे और साथ ही साथ सहारनपुर के हर उद्यमी को, हर व्यापारी को, हर चिकित्सक को, हर शिक्षक को, हर अधिवक्ता को वे अपने अपने फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं।
राज्य सरकार उनके हर एक प्रस्ताव का स्वागत करेगी और मैं आपका आह्वान करूंगा कि अपने नगर को, अपने जनपद को और अपने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की इस मुहिम में हम सब भी सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सहारनपुर के सभी मतदाताओं को विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको मैं इन सभी परियोजनाओं की अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं आयुक्त श्री लोकेश एम जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें।